गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे पावर्स। ठीक है, हमारा न्यू चैप्टर है क्लास सेवेंथ का पावर्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पावर क्या होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम पावर से इंट्रोड्यूस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अगर इस टाइप का हमारे पास में कोई भी नंबर हो ए की पावर एन, ए की पावर एन का क्या मतलब है कि ए की जगह भी कोई ना कोई नंबर होगा और एन की जगह भी कोई ना कोई नंबर होगा, कोई भी डिजिट हो सकती है। ठीक है ना, तो ए और यहाँ पर एन क्या होंगे, कोई भी डिजिट हो सकती है ए और एन की जगह। ठीक है, तो जो नीचे यहाँ नंबर आता है उसको हम बोलते हैं बेस, और जो इसके ऊपर जो डिजिट होती है उसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंट या फिर पावर। ठीक है, तो ये होती है हमारी पावर। ठीक है, अब पावर का यूज कहाँ आता है, जस्ट सपोज हमारे पास में अगर इस टाइप से लिखा हुआ है 5 × 5 × 5 × 5, तो इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, 5 raised to the power of 4। 5 raised to the power of 4 मतलब जो ये 5 है वो कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, जितनी भी टाइम्स 5 मल्टीप्लाई होगा उसकी वो हो जाएगी उसकी पावर। जैसे ये 5 है, इसको कंटिन्यूअसली इसका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो गया बेस, और कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है ये, वो हो गई इसकी पावर 4 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है तो उसकी पावर यहाँ पर 4 हो गई। अगर ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता तो बेस तो वही होता जिसका जो मल्टीप्लाई रिपीट हो रहा है, और कितनी बार हो रहा है, जैसे यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर इसका जो पावर है वो हो जाता 3। ठीक है, तो ये हो जाता 5 की पावर 3, तो इसमें बेस हो गया 5 और पावर हो गई 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेस और पावर। अब इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये ध्यान रखना है कि अगर पावर 2 हो, अगर किसी भी नंबर की पावर या एक्सपोनेंट अगर 2 हो तो वो कहलाती है स्क्वायर। ठीक है, जस्ट सपोज अगर हमारे पास में ऐसा कुछ है, x की जगह कोई भी नंबर आ सकता है, अगर उसकी पावर 2 है तो वो कहलाएगा स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। अभी यहाँ पर x की पावर 2 है तो हम इसको बोलेंगे स्क्वायर ऑफ x या x स्क्वायर। अगर यहाँ पर कोई दूसरा नंबर आ जाए y और y की पावर 2 है तो हम उसको बोलेंगे y स्क्वायर। अगर हमारे पास में यहाँ पर x y की जगह कोई भी डिजिट आ जाए बेस की जगह, जस्ट सपोज हमारे पास में आया 6 और 6 की पावर 2 लगी हुई होगी तो हम उसे बोलेंगे 6 स्क्वायर। ओके, और इसको इसको सॉल्व करने का तरीका भी हम देखेंगे कि इसको हम आगे सॉल्व कैसे करते हैं। अब पावर 2 की तो बात हो गई, अब होता है पावर 3। अगर किसी भी नंबर की पावर 3 हो तो उसको हम बोलते हैं क्यूब ऑफ दैट नंबर। क्या बोलते हैं, क्यूब ऑफ दैट नंबर। अभी यहाँ पर x की पावर 3 है तो हम इसको बोलेंगे x क्यूब। क्या बोलेंगे, x क्यूब। ठीक है, x की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, जस्ट सपोज हमारे पास में यहाँ पर आ गया 8 और 8 की पावर 3 है तो इसको हम बोलेंगे 8 क्यूब। अगर 8 की पावर 3 की जगह 2 होती तो उसको बोलते 8 स्क्वायर, और पावर 3 आ गई तो उसको बोलेंगे 8 क्यूब। तो 2 और 3 की जब पावर आ जाए तो हमें ध्यान रखना है कि पावर 2 हो तो उसको स्क्वायर बोलेंगे और पावर 3 है हो तो उसको हम क्यूब बोलेंगे। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका। ओके, चीजें रिमाइंड रखना, पावर 2 हो तो स्क्वायर और पावर 3 हो तो क्यूब। ओके, अब एक एग्जाम्पल है हमारे पास में, फ्रैक्शन में अगर हमारे पास में कोई वैल्यू आ जाए, जस्ट सपोज हमारे पास में ये आ गया 2/3 × 2/3 × 2/3 × 2/3। अब अगर हमें इसको पावर की फॉर्म में शो करना है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है वो तो हो जाता है बेस, मतलब यहाँ पर 2/3 का बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2/3 हमारे पास में हो गया बेस, और ये कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो रहा है हमारा 1, 2, 3 एंड 4, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 इसकी क्या हो जाएगी, पावर या एक्सपोनेंट। इज इट क्लियर और नॉट, गुड।
ठीक है। तो इस टाइप से हमें, हम अगर कोई नंबर रिपीटेशन में मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उसको इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ला सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मींस पावर लगा के जो फॉर्म होती है उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। ओके, इस टाइप का हमारे पास में क्वेश्चन भी आते हैं। अगर कोई डिजिट हमें यूं रिपीटेशन में मल्टीप्लाई करने के लिए दे दे और क्वेश्चन में हमसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्रेस दिस इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म या एक्सप्रेस दिस इनटू पावर नोटेशन, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, इसके ऊपर पावर लगानी है या इसको इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो करना है। ओके, अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको रीड कैसे किया जाएगा, 2/3 रेस टू द पावर ऑफ 4, 2/3 रेस टू द पावर ऑफ 4। ओके नाउ, अब इसमें बेस क्या है हमारे पास में, इसमें हमारे पास में बेस क्या है, 2/3 है, और इसमें हमारे पास में पावर क्या है, 4 है। 2/3 इसका बेस हो गया और इसकी जो पावर है वो 4 हो गई। ठीक है, अब हमें कुछ इसके रूल्स भी ध्यान रखने हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अब जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन को हम आगे और कंटिन्यू रखते हैं और इसी के बेस पे एक दो रूल और जानते हैं। अब जैसे हमारे पास में अभी आया था 2/3 और उसकी पावर आई थी हमारे पास में 4, 2/3 की पावर आई थी हमारे पास में 4, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पावर 4 है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर में 2 है और डिनोमिनेटर में 3 है, तो ये जो 4 पावर है जो हमारी, वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पर ही अप्लाई हो रही है। ठीक है, और जब कोई पावर किसी फ्रैक्शन में बंद किसी नंबर पूरे नंबर पर अप्लाई होती है तो वो कहलाती है होल पावर। अब जैसे फ्रैक्शन में बंद ये जो नंबर है 2/3, ये जो पावर है वो 2 के लिए भी है, 3 के लिए भी है, तो इसको हम बोलेंगे होल पावर। ये क्या कहलाएगी, होल पावर। और अगर हमारे पास में कुछ इस टाइप का फ्रैक्शन होता, मींस ये जो पावर 4 है वो ओनली 2 के ऊपर लगी हुई है, 3 के ऊपर ना लगी हुई हो, तब ये होल पावर नहीं कहलाएगी। जब पूरे नंबर के ऊपर पावर लगी हुई हो तभी इसको हम होल पावर कहते हैं। ओके, अब ये इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 2 है तो इसकी पावर भी 4 अप्लाई होगी, और डिनोमिनेटर में 3 है तो इसकी पावर भी 4 अप्लाई होगी। इज इट क्लियर? और एग्जांपल देखते हैं हम इसके। जस्ट सपोज हमारे पास में है 2/3 की होल पावर 2। अब इसका मतलब क्या हुआ, होल पावर 2 है, जब पावर 2 आती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसको 2/3 का क्या है, होल स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया कि जब होल पावर होती है तो जो पावर है वो दोनों के ऊपर अप्लाई होगी, 2 के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी पावर 2 और 3 के ऊपर भी पावर अप्लाई हो जाएगी 2। अब यहाँ पर 2 की पावर 2 है, इसका मतलब क्या है कि इस बेस को हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। बेस क्या है हमारा, 2 है और पावर भी 2 है, तो 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही यहाँ बेस क्या है, 3 है और पावर क्या है, 2 है, मतलब बेस को मल्टीप्लाई करना है, और कितनी बार करना है, जितनी पावर होगी। बेस यहाँ पर 3 है तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितनी बार, 2 टाइम्स, तो 3 × 3। अब इसको मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व करके लिख लेंगे, 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9। सो 2/3 का जो होल स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो गया, 4/9 के इक्वल हो गया। ओके, होप सो आपको ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। वेरी गुड, और इसके बाद में हम आगे का एक रूल और देखते हैं। इसका रूल अगला देखते हैं हम, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा या रिवर्स। किसी नंबर का अगर हम रिवर्स कर देते हैं तो वो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। जस्ट सपोज अगर हमारे पास में फ्रैक्शन है 2/5, तो इसका रेसिप्रोकल करना होगा तो वो क्या हो जाएगा, 5/2, मतलब जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर न्यूमिनेटर में आ जाएगा और जो न्यूमिनेटर में है वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ऐसे होता है रेसिप्रोकल। अब अगर कोई हमारे पास में सिंगल डिजिट हो,
जस्ट सपोज हमारे पास में ओनली थ्री है, अब अगर हमें बोले कोई कि थ्री का रेसिप्रोकल करो तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसका फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, और थ्री एक सिंगल डिजिट है तो फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर की प्लेस पर वन लगा देंगे। अब ये बन गया 3/1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/3। तो इस टाइप से होता है रेसिप्रोकल। ओके, अब हमें आगे हमें पावर्स की अकॉर्डिंग कैसे रेसिप्रोकल होता है वो देखना है। जस्ट सपोज हमारे पास में कोई नंबर है 2/3 की पावर 4। जस्ट सपोज हमारे पास में ये है और हमें इसका रेसिप्रोकल करना है, हमें क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल करना है। तो कैसे करेंगे इसका रेसिप्रोकल, हम कैसे करेंगे, सिंपली जो फ्रैक्शन है उसका उल्टा कर देंगे, मतलब बेस में जो फ्रैक्शन है, बेस में फ्रैक्शन क्या है हमारे पास में 2/3, तो हमने इसका उल्टा कर दिया तो ये बन गया 3/2 और पावर इसकी एज इट इज रह गई 4। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया इसका रेसिप्रोकल 3/2। अब पावर दोनों के ऊपर लग रही है तो मींस ये होल पावर कहलाएगी, और अगर ये होल पावर है तो ये पावर ऊपर न्यूमरेटर 3 पर भी अप्लाई होगी और डिनोमिनेटर 2 पर भी अप्लाई होगी, और आगे हम इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गए हमारे कुछ टॉपिक्स पावर्स के। अगला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में और इसके रूल्स पढ़ेंगे। ओके।